धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में महानदी में अवैध रूप से रेत भंडारण कर रखे में खनिज विभाग द्वारा आज कार्रवाई की गई, जिसमें बैराज में रखे 3 स्थानों पर कार्रवाई हुई। पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों की बार बार शिकायत पर आज एक्शन मोड में आए खनिज अधिकारी रेत घाट आकर भंडारण कर रेत रखे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। खनिज अधिकारी आने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंजनी मनोज तिवारी एवं पार्षद मौके पर पहुंचकर खनिज अधिकारी को बताया कि लगातार महानदी से अवैध रेत खनन को पूर्ण रूप से बंद किया जाए, ताकि नगर पंचायत शिवरी नारायण को लाखों रुपए का चूना लगने से बचाया जा सके। यहाँ बाहर से आकर लोग दादागिरी कर रेत चोरी कर रहे हैं। यदि हम बोलते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो रेत माफिया द्वारा आए दिन धमकी देने रखते हैं और लोग बाहर से आकर यहाँ खुलेआम रेत खनन कार्य कर लगाम क्यों नहीं हो रही। खनन होता है उसको डंपिंग किया जाता है और माइनिंग अधिकारी आता है, उसका जुर्माना पटवाता है और उसको राइटें देता है। अभी किसी पर कार्रवाई हुआ ही नहीं है आपके शिवरी नारायण क्षेत्र में, और उसी राइटें के आर पे जो भी अभी गाड़ी हमने उसी राइटें के आर पे था, उसी राइटें के आर पे वो रोड डंपिंग कर रहा है, उसी राइटी पे रेत चल रहा है, रेत का खेल चल रहा है और नगर पंचायत बदनाम हो रही है। नगर में आपका वहाँ तनौद में भी मैं मशीन सील किया, नगर में नगर पंचायत बदनाम हो रही है, मलाई पूरे अधिकारी खा रहे हैं और नगर में नगर पंचायत में बार बार ग्रुप में चल रहा है। महाराज जी बताएंगे लमसम कितने जगह से निकलते होंगे। तीन ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप लक्की सिंह है, एक ग्रुप विनोद शर्मा है, एक ग्रुप वो ईश्वरी केसर वानी और संजय सेठ पूर्व अध्यक्ष का भतीजा है, और तीनों से ही अधिकारियों का सेटिंग है। तीनों के बीच में सर जी ये माउंट जब इस संबंध में शिवरी नारायण तहसीलदार को कार्रवाई की बात कहने से तहसीलदार साहब अपना हाथ बांध देते हैं, और यदि कोई पत्रकार यदि अवैध रेत खनन के संबंध में उन्हें स्टेटमेंट नहीं देने की बात कहते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र नहीं है और बोला जाता है कि ये जो काम इसे खनिज अधिकारी ही कर सकते हैं, हमारा पावर इसमें नहीं है। यदि खनिज अधिकारी यहाँ आते हैं तो हम उसके साथ चले जाएंगे, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक इस अवैध रेत खनन में जिम्मेदार अपना अधिकारी पैच इस अवैध रेत खनन में जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते हैं। अब देखना यह है कि खनिज अधिकारी कब तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर इन रेत माफियाओं पर कब तक लगाम लगा पाते हैं, या फिर छोटी मोटी कार्रवाई कर फिर इन रेत माफियाओं को लूट की खुली छूट दे दी जाती है। शिवरी नारायण से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट।